मुंबई दारुलहुकूमत पर काले बादलों का राज बरकरार, बरखा फिर से बरसने लगी। शिमला पहाड़ी, एमेट रोड, लक्ष्मी चौक और मॉल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश के स्पेल से सर्दी में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश जारी रहने की पेशगोई। सानिहा साहिवाल की तहकीकात अहम पेशरफ्त। जीआईटी ने 8 ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए। साबिक एसएसपी सीटीडी जवाद कमर का बयान भी कलम बंद। निशान के जेर इस्तेमाल गाड़ी के बारे में अहम शवाहिद मिल गए। गाड़ी फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत थी। साबिका मालिकान के बयान और दस्तावेजात हासिल कर लीं। मकतूल खलील के वर्सा आज भी शनाख्त परेड के लिए ना पहुंचे। जमात इस्लामी का भी सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जीआईटी से अहले खाना और आम आदमी मुतमइन नहीं। जिस कत्ल का कोई जिम्मेदार ना हो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। कहीं इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है। सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन। लीगी रहनुमाओं और अहले खाना की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज की अपनी दादी के हमरा आमद। हमजा शहबाज, ममनून हुसैन, शाहिद खाका नब्बासी, ख्वाजा आसिफ, आसन इकबाल और जावेद हाशमी समेत दीगर रहनुमा पहुंचे। जेल के बाहर लीगी कारकुनों और खवातीन की नारेबाजी। मरियम औरंगजेब रिक्शे में बैठकर जेल पहुंची। मेरे दौर में रुपए की कदर बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई, मुल्क तरक्की के रास्तों पर चलने लगा था। मुल्क दुश्मन अनासिर को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। नून लीग अवाम की अदालत में आज भी सुरखरू है। अदालती केसेस और जेलों से नहीं डरते। आइन तोड़ने वाला कमर दर्द के बहाने से आज भी मुल्क से बाहर है। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कारकुनों ने नवाज शरीफ से सेहत से मुतालिक भी पूछा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, खान साहब मुल्क ठीक नहीं चला रहे। नवाज शरीफ से अकीदत है, उनकी सेहत ठीक नहीं। साबिक सदर ममनून हुसैन की गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें देने की बजाय बोर्ड पर बोर्ड बनाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा गया। राना सनाउल्ला की गुफ्तगू। हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, हमें धिक्का देने की जरूरत नहीं। तलाल चौधरी, मोहम्मद जुबैर, सैफुल मलूक खोखर और मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू। उस्मान बुजदार को वसीम अकरम से मुबासलत देने पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की तजावीज पर अमल करेंगे। काफ लीग के गिले शिकवे हकीकी हैं, इत्तेहाद इलेक्शन से पहले का है, जल्दी नहीं टूट सकता। एक घर में भी गिले शिकवे हो जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू।